धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आपने समय निकाला अति महत्वपूर्ण विषय पे कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारने का। हमारे बीच में हमारी देश की शान हमारी कृष्णा पूनिया जी जो स्वयं ओलंपियन हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया। डिस्कस थ्रो में आज तक किसी भारतीय का इतना प्रदर्शन नहीं रहा। कृष्णा जी भी हमारे बीच में पहुंची हैं, हमारे विनीत जी या सचिव हैं उनको आप जानते हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था उसके संदर्भ में, लंबे समय से कि खिलाड़ी न्याय की गुहार कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और हम धन्यवाद करते हैं अपने संविधान निर्माताओं का, जिस सोच के साथ उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया था। कल उस सोच पे मोहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगाने का काम किया और दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये न्याय की तरफ पहला कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा इस प्रकरण में, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उसके बाद आपने देखा दिल्ली पुलिस ने कल रात को दो एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर की कॉपी जो पीड़ित है उनको मिल चुकी है और जो दूसरी एफआईआर है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अभी जो पीड़िता है उसके पिता जाकर थाने से वो एफआईआर की कॉपी आएगी। तो जब एफआईआर दोनों मिल जाएंगी सारी धाराओं का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इतने गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पर दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आग्रह न्यायपालिका से भी करते हैं और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। हम दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको कोई मिला वहां, वो यहां पे घटित नहीं हुआ मामला, लेकिन दिल्ली पुलिस अगले दिन हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर पूछताछ करने पहुंच गई। और यहां पे एक सांसद हिस्ट्री शीटर, 40 मुकदमे जिन पे चल रहे संगीन धाराओं में, 8-8 देश की शान हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए पदक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जब
इनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो ये दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित नहीं किया। तो ये दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड सत्ता पक्ष के लिए एक और विपक्ष के लिए एक। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दें, गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें, दिल्ली पुलिस पूर्णतः कटघरे में। एक और हम बात कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम आपसे ये न्याय की गुहार, ये खिलाड़ी भी आपसे लगा रहे हैं, लगातार आपसे खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, 3 महीने पहले जब ये पहली बार बैठे थे धरने में तब भी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी, और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जब ये मेडल लेके आए तो आपने अपने घर बुला के इनके सत्कार में और इनके प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा दिखलाने में वो कसर नहीं छोड़ी। आपने विनेश को तो कहा कि ये तो मेरी परिवार की है, लेकिन ये लगातार इंसाफ और इज्जत के लिए जब आपसे गुहार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, तो अभी तक आप मौन धारण किए हुए हैं, आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कितना घोर ये देश में अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 महीने की जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई उससे भी पूरा खेल मंत्रालय और भारत सरकार कटघरे में आती है। सरकार की नीयत एक्सपोज हो गई, ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से हमारा सरकार के प्रति आरोप है। इसमें कर सरकार की नीयत पे संदेह नहीं है, मगर नीयत स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की नीयत आरोपी व्यक्ति को बचाने की रही। 3 महीने पहले, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया कि 3 महीने पहले जब ये खिलाड़ी बैठे थे तभी इनके साथ न्याय होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपराधिक धाराओं में कार्रवाई तभी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने तक इनको आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने से और न्याय से वंचित रखा गया। ये कमेटियों के दर दर ठोकरे खाई खिलाड़ियों ने, और सरकारी तंत्र ने शरण सिंह को शरण देने का काम किया। सरकारी तंत्र ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया और इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए। हमारी मांग है कि यह भी जांच हो, कौन कौन सरकार में वो लोग थे, कहां कहां तक तारे जुड़ी हुई थी जो हमारी बेटियों को की आवाज दबाने और आरोपी को बचाने के लिए 3 महीने तक प्रयत्नशील कर रहे थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। आज ये पूरा देश देख रहा है। सरकार के नारे खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। मैं अंत में आखिरी बात कहते हुए, हमारी खिलाड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, वो भी आपके बीच में अपना दृष्टिकोण इसमें रखेंगी। जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने बचाव में इन खिलाड़ियों को एक प्रदेश का बताया, एक बैकग्राउंड का बताया, लगातार इस तरह के बयान दिए। पूरे देश को ऐसे बयानों पर आपत्ति है। खिलाड़ी किसी धर्म जाति या प्रदेश का नहीं होता। देश की बेटी की इज्जत सारे देश की इज्जत होती है, वो किसी धर्म जाति या प्रदेश की बेटी की इज्जत अलग अलग नहीं होती। और दोषी और अपराधी की भी कोई धर्म जाति या प्रदेश नहीं होता, अपराधी अपराधी है। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश का खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और केवल कुश्ती में ही नहीं, ये जो ब्रिजभूषण जी बार बार बोलते हैं, अन्य खेलों में भी, बॉक्सिंग में अगर विजेंद्र जी मेडल लाते हैं
तो गौरव की बात है पूरे देश के लिए। हो सकता है वो हरियाणा से हो। नीरज चोपड़ा जी अगर मेडल लेके आते तो पूरे देश को खुशी होती है। हो सकता है वो हरियाणा से हो। क्या हर फेडरेशन के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है? ये कोई एक प्रदेश की बात नहीं, ये देश की बात है। कॉमनवेल्थ खेल हुए दिल्ली के अंदर, 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा खिलाड़ी लाए। जितने रेसलिंग के गोल्ड मेडल आए हैं वो लगभग हरियाणा खिलाड़ी आज तक लेके आए हैं। यही बॉक्सिंग की बात है, और यही आप किसी भी खेलों को, पिछले चाहे ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियाई खेलों की बात हो, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और हमें गर्व है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा सरकार थी, उस समय की जो नीतियां थी, पदक लाओ पद पाओ और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की जो नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, 3% खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गांव-गांव में खेल के स्टेडियम और हर स्कूल के अंदर स्पैट की प्रतियोगिता, उस नीति के बदौलत हरियाणा के नौजवान खेलों की तरफ आगे आए। प्रोत्साहन उनको हर खेलों में, केवल इसी में नहीं, हर खेल के अंदर हरियाणा के, बहुत से खेलों में हरियाणा के नौजवान आगे आए। ये देश के लिए गौरव की बात है। ये हमारे लिए, इसमें हरियाणा को जिस तरीके से टारगेट किया गया बृजभूषण जी द्वारा, हम उस पर आपत्ति जताते हैं। हरियाणा ने किसका क्या बिगाड़ा है? हमने तो केवल देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऊंचा करने का काम किया है, और कहीं देश के दुश्मन की छाती पे उस तिरंगे को गाड़ने का काम किया है जो देश की फौज के अंदर आज सबसे ज्यादा हरियाणा का सैनिक जाता है। मगर इस बात से किसको क्या तकलीफ हो सकती है? मगर जैसे मैंने कहा, किसी भी बेटी की इज्जत किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की नहीं, पूरे देश की बेटी की इज्जत एक समान। किसी कोई भी खिलाड़ी किसी धर्म, जाति, प्रदेश का नहीं, देश का होता है। और दोषी और अपराधी की भी धर्म जाति देखी नहीं जाती, अपराधी अपराधी होता है, देश का संविधान है। और इसीलिए हमारा पूरा समर्थन, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो भी आज सुबह धरने पे गई और धरने पर काफी देर उन्होंने खिलाड़ियों के की पीड़ा को एक बड़ी बहन की तरह वहां पहुंच के सुना, उनके दर्द को एक एक बात को गहराई से उन्होंने सुना, और उन्होंने भी यही आश्वासन वहां पे दिया इन खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, कि उनके न्याय के संघर्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से उनके साथ है। मैं आग्रह करूंगा कृष्णा जी वो भी अपना दृष्टिकोण रखेंगी। सम्मानीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानीय विनीत जी, मीडिया के साथीगण, आज से 3 महीने पहले भी मैं आप सबसे रूबरू हुई थी, आज फिर उस मुद्दे को लेकर हम आप सबके सामने हैं। देश की वो प्रतिभाएं जिन्होंने देश के तिरंगे का मान रखा, राष्ट्रगान विदेशी धरती पे बजवाया, और जिस दिन वो मेडल लेकर हमारे देश में पधारी पूरे देश को गर्व था। मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन क्या सिर्फ स्लोगन था? और इन 3 महीने के कार्यकाल में तो मुझे सिर्फ स्लोगन नजर आता है। उन बच्चियों ने मौका भी दिया सरकार को कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन 3 महीने तक कुछ ना हो पाना मेरे को लगता है कि हमारी बेटियों को आगे न बढ़ने की मंशा इनकी दिखाती है। आज जो बच्चा अनुशासन में रह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में जो मेडल लेकर आता है, मैं समझ सकती हूं कि वो कितना सहनशील होगा, संघर्षशील होगा, और आज उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरे हैं। और पिछली वार्ता के अनुसार आप सबसे ये भी बताया गया था कि विनेश फोगाट ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने फैमिली के साथ जाकर इन बातों का जिक्र किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम आपको उस बेटी की बात सुननी चाहिए थी जिसको आपने बेटी स्वीकारा था। आज 3 महीने बाद वो मजबूर हो गए, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सड़कों पे खा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक तरफ
हमारा देश मेडल की आस करता है और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों का शोषण होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस देश की कोई भी बेटी ऐसा बुरा लांछन किसी पे नहीं लगाएगी जिसमें उसकी असमत जुड़ी हो। ये हमारे देश की गरिमा रही है और मैं उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देती हूं जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो उसके लिए वो आगे आई हैं। और जैसा माननीय हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा और प्रियंका गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूं, मैं खिलाड़ी रही हूं, महिला हूं और मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं। जब वो बच्चियां अपनी बात रख रही हैं और कमेटी बनाई गई, उनकी बातों को सुना नहीं जाना, बार बार ये सवाल प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इतने महीने तक सरकार क्या कर रही थी, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना गया। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है, सिर्फ स्लोगन रह गया है। आज देश की बेटियों को देश के सभी वर्ग की जरूरत है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगी, छोटी मानसिकता को परोस कर एक समाज से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन वो पदक जीत कर लाते हैं तो वो देश की, भारत की बेटी होती हैं। और आज इस घटिया मानसिकता को आगे परोस कर इस प्रोटेक्शन को जब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये उस हरियाणा की बेटी है जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, खून पसीने की कमाई से देश का पेट पालता है। ये पीछे हटने वाले नहीं है, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय हम प्राप्त करके रहेंगे। इससे पहले आपके प्रश्न लें, हमारे जो सचिव मीडिया विनीत पुनिया जी, वो स्वयं इस बारे में कुछ बात कहें। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमने इस मुद्दे पर कभी राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिगत कभी नहीं सोचा। ये मुद्दा देश के खिलाड़ियों से जुड़ा है, ये मुद्दा देश के सम्मान से जुड़ा है। और जब वो खिलाड़ी जो पदक लाए हैं, जिन्होंने देश में, देश का नाम पूरे विश्व में, भारत का झंडा पूरे विश्व में फहराया है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया में बजवाया है, उन खिलाड़ियों को अपनी उचित मांगों के लिए अगर आंदोलन करना पड़े, और खास तौर पर जो मैं जोर देना चाहता हूं, वो खिलाड़ी अपनी बात अपने परिवार के साथ जाकर प्रधानमंत्री जी को स्वयं बता चुके हों और उसके बावजूद उस मांग पर कोई कार्रवाई ना हो, उनको झूठे दिलासे दिए जाएं, उनको छलावा दिया जाए, उनको भटकाया जाए, और कल रात को जो हुआ, जिस प्रकार से उनकी बिजली और पानी काटा गया, बहुत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी जो हर चीज पर चुप रहते हैं, असली बात होती है उस पर चुप रहते हैं, असली मुद्दा होता है उस पर चुप रहते हैं, जब वो बोलेंगे वो इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे कि क्यों खिलाड़ियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उन्हें अपनी उचित मांग के लिए, उनको जो जंतर मंतर का जो स्थान सब आंदोलनों के लिए निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निश्चित है, कोर्ट के द्वारा निश्चित है, उस जगह भी उन्हें अपना आंदोलन करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज से महरूम किया जा रहा है, बहुत शर्मनाक है। ये प्रधानमंत्री जी के दो वायदे और जो दो दावे वो करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा जो बात वो करते हैं खिलाड़ियों के सम्मान, उन दोनों की पोल खोलता है ये। जो खेलो इंडिया है उसकी पोल खोलता है ये, सब सिर्फ और सिर्फ मिसयूज करते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये बिल्कुल शर्मनाक है और ये निंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूं देश के प्रधानमंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि वो भी इस बात पर बोलें जो बृजभूषण सिंह जो कह रहे हैं, क्या उन्हें इस बात से कोई पीड़ा नहीं होती? अगर उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, बहुत ही शर्मनाक इशू है। धन्यवाद। इंडिया से सवाल दीपेंद्र जी से है। हाँ नीरज, दिल्ली पुलिस जो है, आपने अभी दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठाया, एक खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस पहलवानों को सुरक्षा देगी और जल्द ही 7 खिलाड़ियों के जो बयान दर्ज करेगी जो शिकायत करते हैं। ये जो कोई मेहरबानी नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, एक और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कल का आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस यदि ये नहीं करेगी
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। एक और सवाल है इससे से जुड़ा हुआ, बार बार ब्रजभूषण सिंह आप पर आरोप लगाते हैं कि ये पहलवानों के विरोध के माध्यम से राजनीति की जा रही है, हरियाणा की राजनीति दिल्ली की सड़कों पर और या राष्ट्रीय राजधानी में पहुंची है। धन्यवाद इसका प्रश्न, ये प्रश्न पूछने के लिए। ना सिर्फ पूर्णतः निराधार और रेसलिंग फेडरेशन की जो ये बात कह रहे हैं कि भाई पद रेसलिंग फेडरेशन के पद और राजनीति का मेरा कोई ना इरादा है ना कोई इच्छा है। आज हुड्डा सरकार की खेल नीति की चर्चा देश भर में खिलाड़ियों में है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे लिए। और मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, देश की राजनीति में व्यस्त हूं। जो अपने आरोपों को ढकने के लिए इस तरह की का झूठ का सहारा लेके या तो वो ये समझते हैं कि झूठ बोल के आरोपों को ढक लिया जाएगा, या सोचते हैं कि झूठ बोल के कहीं हम अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, हम अपने बेटियों के साथ